हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं बत्तख की तरह उड़ने वाले वीडियो आप किस प्रकार बना सकते हैं, जो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इस वीडियो पे 6 मिलियंस व्यूज आ चुका है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप वीडियो को शूट कैसे करना है और एडिट कैसे करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट में आना है और आपको देखना है वीडियो हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 1 से 2 बार प्ले कर देख लेना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमने यहाँ से स्टार्ट किया हूँ, तो वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको स्पीड कंट्रोल पर आना है और यहाँ पर बिल्कुल लास्ट कर देना है, यानी कि 0.25 कर देना है। इसके बाद डन करना है। आप देख सकते हैं वीडियो आपका स्लो मो में हो चुका है और इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे क्या, जहाँ से आप उड़ने के स्टार्ट करते हो वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। तो मैं आपको एक बार वीडियो को प्ले कर दिखाता हूँ वीडियो को आपको किस प्रकार शूट करना है। तो सिंपल आपको वीडियो को कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। वीडियो यहाँ पे 30 से 40 सेकेंड तक वीडियो आपको कुछ इस तरह से शूट कर लेना है, ठीक है। शूट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आते हैं और इसके बाद आपको जैसे कि ऊपर की तरफ गए, ऊपर से हम नीचे की तरफ आता है तो आपको देखना, जैसे कि हम देख सकते हैं नीचे हम टच कर रहे हैं, टच करने से थोड़ा हल्का ऊपर आना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले हिट करेंगे। वीडियो को अगेन आगे की तरफ प्ले कराना है और आपको यहीं पर ध्यान रखना है, जैसे हम ये टच करते हैं नीचे धरती में ये पार्ट हमें नहीं चाहिए। फिर से देख सकते हैं, फिर से मैंने टच किया नीचे, फिर से हम नीचे से ऊपर की तरफ गए, ठीक है। अगेन ऊपर की तरफ मैं जा रहा हूँ, फिर से ऊपर इस पोजिशन में आना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो का आगे तरफ लेकर आएंगे और देख सकते हैं नीचे की तरफ हम आ रहे हैं फिर से, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं टच हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड टू प्ले हिट नहीं होता है। तो फिर भी तो आप कुछ आगे तरफ कर लेना, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से आपको लास्ट कर देना है, ठीक है। आप जब वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने के मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे, अब जैसे कि देख सकते हैं हम नीचे हम टच कर रहे हैं धरती में, तो इस पार्ट को हमें ट्रिम टू लेफ्ट करना है। वीडियो को आगे तरफ लेकर आएंगे, देख सकते हैं जैसे हमने टच किया कुछ इस तरह से स्पीड टू प्ले हिट, ऐसे हम कुछ इस तरह से लास्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से अगेन आगे की तरफ लेकर आना है, जो भी हम नीचे जो टच करते वो पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो इस पार्ट को हमें ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इसके बाद अगेन आगे की तरफ लेकर आएंगे और कुछ इस तरह से आपको स्पीड टू प्ले हिट कर देना है, इसमें जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है रिमूव करना है। इसके बाद अगेन आगे की तरफ लेकर आना है, फिर से देख सकते हैं यहाँ से उड़ने के स्टार्ट किया हूँ, कुछ इस पोजिशन में आना है और ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। अगेन फिर से हम करेंगे पीछे की तरफ, इसके बाद जैसे टच करते हैं जिसे हम स्पीड टू प्ले हिट कर देते हैं। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है लास्ट का उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो को हम जब फाइनली प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जैसे देख रह सकते हैं, जैसे कि लग रहा है हम हवा में ही कुछ इस तरह से उड़ रहे हैं, सिंपल। इसके बाद लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, स्ट्राइक आइडियो कर देना है, वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे डिलीट करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।